वेलकम टू एग्जाम एक्सेस साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, यानी कि स्टूडेंट फेल होने की परसेंटेज है 95% प्लस, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। तो दोस्त, जो फेल हुए हैं और जिनकी एज कम है, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में फिर से फॉर्म कैसे डाल सकते हैं। इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई तो दोस्त ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा एडमिशन तक, और उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है कि आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपकी होगी तो क्या होगी, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। चलिए आपको बता दें कि फॉर्म कैसे डाल सकते हैं किसी दूसरे जगह से, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्त, मुझे इस बारे में बहुत ही अनुभव है। क्यों अनुभव है? क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय महुआर कसारा मऊ का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझसे अच्छा शायद आप न जानते हो, क्योंकि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पास आउट कर चुका हूं। तो दोस्त, पहली बात बता दूं कि मान लीजिए आप क्लास सिक्स में इस बार फेल हो गए, ठीक है मेरे दोस्त, क्लास सिक्स में इस बार आप फेल हो गए, ठीक है। तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे आप क्लास सिक्स का फिर से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय सिक्स का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। सिक्स का फॉर्म आ चुका है, ये आपको बात पता है ना कि सिक्स का फॉर्म आ चुका है, और कब तक डेट है? 31 नवंबर तक उसका डेट है। तो जरा से सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप दूसरे जगह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फर्स्टली मैं बता दूं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां से फॉर्म डालेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप पास भी हो जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिशन नहीं होगा वहां से। तो क्योंकि रिपीटर के रूप में, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय सिर्फ एक चांस देता है, एक चांस, दूसरी चांस पे वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देता है, यानी एडमिट कार्ड ही कैंसिल कर देता है अगर पता चल जाए। उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो एडमिशन भी हो जाता है, और उसे पता चल जाता है कि आप रिपीटर हैं तो आपको भी कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन। तो दोस्त, आप जान लीजिए कैसे एडमिशन कैंसिल भी नहीं होगा और आप जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट भी बन जाएंगे। जिनकी एज 11-12 वर्ष है उनके लिए मेरा सजेशन है, जिनकी वजह 13, 14, 15, 16, 17 होती जा रही हैं, वो जवाहर नवोदय विद्यालय सिक्स का फॉर्म ना भरे भाई, क्योंकि आपके सामने अब 9th का फॉर्म आएगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा। 13 तक के लिए मैं कह सकता हूँ कि भर दीजिए, क्योंकि आप 11 से, जिनके एज 11 और 13 के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज 14-15 वाले भैया ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बाद में, यार मुझे पूरा अनुभव है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्टली आप क्या कीजिएगा कि आपके कोई भी रिलेटिव आपके अदर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, क्योंकि वहाँ से नहीं हो सकता, ये दूसरे स्टेट में चले जाइएगा। मान लीजिए किसी के, मान लीजिए कि आपके पिताजी, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके पिताजी दिल्ली रह रहे हैं, तो आप दिल्ली से पढ़िएगा, और दिल्ली से पढ़ते हुए आप वहाँ से रिलेशन के रूप में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप रिपीटर भी नहीं हो पाएंगे। या आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाइएगा, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब जाएंगे तो आप वहां से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई बात नहीं होने वाली है, पूरा एज यूजुअल आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो ये मेरा आपसे सजेशन रहा कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहां से फॉर्म फिलअप कीजिए, और वहां का ही बायोडाटा पूरा दे दीजिएगा, ताकि आपके ऊपर कोई भी प्रभाव, और जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो बायोडाटा चेंज हो जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, बस नाम हम सब चेंज रहता है और आप सब सही कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में चले गए ना तो आपको सब पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको अब ज़्यादा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी प्रिपरेशन अभी 90% है ही, यार 90 वाले बच्चे फेल हो गए हैं, 95 वाले फेल हो गए, 98 वाले फेल हो गए हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, और आज से 4 मंथ बाद, यानी चार पाँच मंथ बाद आपका पेपर हो जाएगा, तो आपको बहुत ही कम समय, यार आप भर दीजिएगा फॉर्म, मेरा आपसे वादा है, और आपको कहीं तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हमने खुद ही प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और क्लास चल रही है, जो वीक होंगे वो क्लास देख लेंगे, और जो पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों ने 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 6 क्लास की कोचिंग चला रहे हैं, तो वहाँ से आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा प्रिपरेशन भी हो जाएगा और आप इस पर एग्जाम क्रैक भी कर देंगे। तो दोस्त, आपको बहुत ही सोचने की जरूरत नहीं है, 31 तारीख तक यानी लास्ट डेट नवंबर में ही है, तो सोचिए मत, फॉर्म को फिलअप कीजिए, और जिनकी एज अधिक हो गई है 9th के लिए अप्लाई कर दें और 9th की प्रिपरेशन कर लें मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम एक्सिस है तो हर चीज़ संभव है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। क्या आपको समझ में आ गई कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है या दूसरे राज्य में जाना है, और वहाँ के कोई रिलेटिव है तो वहाँ रहिए, वहाँ से फॉर्म डाल दीजिए, घर आकर पढ़िए, और फिर जाकर वहाँ पर अपना क्या कर दीजिएगा, परीक्षा दे दीजिएगा, पास हो जाइएगा, फिर नवोदय का आप नवोदयन बन जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।